नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक कविता सुनाऊंगी जो है माँ। माँ सुनते ही हमारे आसपास का वातावरण ऐसा लगता है जैसे पूर्ण हो गया हो। माँ एक वो व्यक्ति है हमारे जीवन में जो हमारी सारे दुख तकलीफ दूर कर देती है। माँ के आंचल में बैठकर हमें जो शांति सुकून मिलता है वो दुनिया में शायद कहीं नहीं मिल सकता। उन्हीं के साथ हमने चलना सीखा होता है, वही हमें सही और गलत बताती हैं। इन्हीं भावों को एक कविता के माध्यम से इस में प्रोया गया है। आशा करती हूँ आपको ये भाव अच्छे लगे होंगे। आइए देखते हैं माँ के भाव या माँ की भावनाओं को किस प्रकार से व्यक्त किया गया है एक बच्चे के द्वारा। ममता का सागर, करुणा की देवी, मेरे ऊपर माँ रहमत है तेरी। छोटा सा अल्फाज पर भाव है अपार, तुमने दे दिया हमें जो वो है बेशुमार। दिया तूने जन्म, पाला है तुम, उंगली पकड़ कर चलना सिखाया है तुमने। गर गिरे कहीं कभी लड़खड़ा कर संभाला है तुमने, सही राह पर बढ़ाया है तुमने। सही गलत का भेद पाया है तुमसे, माँ का दिन क्यों मनाया समझ से परे है। बिन तेरे माँ ये जीवन छले है, हर दिन मेरा और ये जीवन भी मेरा, मेरी माँ ये तेरे कदमों तले है। ममता का सागर, करुणा की देवी, मेरे ऊपर माँ रहमत है तेरी। तेरा नाम है ईश्वर से भी महान, तुझे पूजे विश्व का हर एक इंसान। तेरा पद है सर्वोच्च सबसे महान, देती रहना हमें तुम अपनी ये करुणा और ममता अपार। बिन तेरे जीवन की कल्पना है बेकार, तेरे पास है ममता का अपार भंडार। तुम हो माँ, जननी, अम्मी और अम्मा, तेरे आगे नतमस्तक है तेरा ये बच्चा। लगा ले गले से लुटा दे तू ममता, नादान सा मैं हूँ तेरा ही बच्चा। आशा करती हूँ ये जो भाव हैं ये आप सभी को दिल से पसंद आए होंगे और ये आपके दिल में उतर गए होंगे। सभी लोग अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं, उन्हीं भावों को इस कविता में पुरोया है। आशा करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।